चलिए आज हम लोग कंप्यूटेशन का एक छोटा सा डेमो करने वाले हैं और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक्स क्या होता है और बेसिक्स जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो दुनिया में सबसे छोटा होता है वो होता है हमारे पास लेटर होता है, लेटर होता है और लेटर के समूहों को जो बोलते हैं वो बोलते हैं अल्फाबेट। और जो हमारा अल्फाबेट होता है यह हमेशा 26 लेटर्स का होता है, 26 लेटर्स का होता है। तो याद रखिएगा इसको अल्फाबेट बोलेंगे, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि अल्फाबेट्स बोलने से इसका ज्ञान हो जाएगा भाषाएं। इसको जो है हम लोग जनरली क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे भाषाएं। तो अल्फाबेट से अल्फाबेट्स नहीं होता है, क्योंकि अल्फाबेट में ऑलरेडी 26 लेटर होता है, यानी लेटर्स से बनता है अल्फाबेट। और अल्फाबेट में जो आता है हमारा वो आता है ए बी सी डी ई आई ओ यू डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो है हमारा यह 26 लेटर है, जिसमें ए ई आई ओ यू को हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं, वॉवेल के नाम से जानते हैं, और जो बच गया इसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। और जो हमारा W और Y होता है ये कहलाता है सेमी भावे। क्या कहलाता है, सेमी भावे कहलाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर इसका प्रयोग क्यों किया गया, आखिर यह क्यों आया धरती पर, आखिर अल्फाबेट से क्या हुआ। तो जनरली अल्फाबेट का इस्तेमाल जो है वो हम लोग करते हैं आर्टिकल के लिए। आर्टिकल, आर्टिकल आपने सुना होगा ए एंड द। हालांकि आज हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे को लेटर से आर्टिकल निकालना नहीं आता है। तो यहाँ पे आर्टिकल में मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ साउंड सिस्टम का, और इस साउंड सिस्टम के माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपको कितना फायदा हो रहा है और वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। उसके आगे हम लोग बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो एक छोटा सा क्लास दूंगा आज ताकि आपको मैं बता सकूं, जो दिल में है वो दिखा सकूं कि क्या यहाँ पे पढ़ाई होती है और किस प्रकार से पढ़ाई होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं अ नॉलेज इज पावर, और दूसरा लेते हैं एक लिया अनॉलेज इज पावर, दूसरा लिया नॉलेज इज पावर। अब आप बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा सही है, बताइए आप लोग इसमें से कौन सा सही है, नीचे वाला या ऊपर वाला। चलिए आप कह रहे हैं नीचे वाला सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है और नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि नॉलेज जो है उसको हम माप नहीं सकते, ठीक है। तो ए लगा हुआ है ये गलत हो गया, लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कहूं राम हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, राम हैज लिटिल मैंने लिया राम हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, राम हैज लिटिल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। अब यहां बताइए दोनों में कौन सही है, यहाँ पे मैंने नॉलेज लिया, आपने ए कहा गलत है, मैंने मान लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नॉलेज है, यहाँ पे भी नॉलेज है, और यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे ए नहीं लगा है, तो जरा बताइए तो कि इसमें दोनों में कौन सही है, ये सही है या ये सही है, बताइए नीचे वाला सही है। चलिए आपने कहा नीचे वाला सही है, लेकिन याद रखिएगा नीचे वाला सही नहीं है, नीचे वाला गलत है, यही तो होता है कॉमन एरर पकड़ना। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा हिस्ट्री कितना सब्जेक्ट है धरती पर, हिस्ट्री कितना है सब्जेक्ट, कितना है एक है, तो इस हिस्ट्री को हम काउंट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है एक, यानी एक नॉलेज, यानी एक प्रकार का नॉलेज उसके पास हिस्ट्री का है, यानी हिस्ट्री यहाँ पे क्या है काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और काउंटेबल नाउन के आगे हम ए एन का प्रयोग करते हैं जिसको हम काउंट कर सके। तो यहाँ पे नॉलेज किसका, हिस्ट्री का, और पूरे धरती पर हिस्ट्री कितना है एक है, यानी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बच्चा नहीं बना पाता है, इसी के प्रति आज हम लोग बात करेंगे। याद रखिएगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि जब कोई काउंटेबल नाउन होता है तो हमें ए और एन का प्रयोग करना है, लेकिन ए और एन का प्रयोग करेंगे कैसे, यह एक छोटा सा आर्टिकल का टॉपिक मैं आपको बताता हूँ अभी, ध्यान से देखिएगा।
देखिए आर्टिकल को देखने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज देखना है, वह है साउंड सिस्टम। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साउंड सिस्टम। अब साउंड सिस्टम क्या होता है जरा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एक आवाज होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है, जो हमें बचपन से मिली हुई है, और इसको हम कहते हैं वोकल साउंड। क्या कहते हैं? वोकल साउंड। और वोकल साउंड जो होता है वो वोकल कॉर्ड से निकलता है। तो हम एक डायग्राम लेते हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होता है वोकल कॉर्ड। क्या होता है? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जो बिना किसी मदद से, जहां से आवाज निकलती है, जैसे आप रोते हैं, गाते हैं, आप एक बात बताइए, वोकल कॉर्ड से जो भी आवाज निकलती है इसको बोलते हैं एफर्टलेस। क्या बोलते हैं? एफर्टलेस साउंड, यानी जिसमें जोर ना लगे। बच्चा रोता है तो क्या वो मेहनत लगाकर रोता है? अगर वो मेहनत लगाकर रोएगा तो वो रो ही नहीं पाएगा। आप हंसते हैं तो अचानक से हंसते हैं, मेहनत लगाकर नहीं हंसते हैं, यानी उसको एफर्टलेस साउंड कहते हैं, जिसमें एफर्ट नहीं लगे। इसको भगवान की आवाज भी कहा जाता है, वोकल साउंड को। यानी वोकल कॉर्ड जो है डायरेक्ट मुंह से निकलता है और वो जो है वोकल कॉर्ड के माध्यम से निकलता है, इसलिए इसको भगवान का आवाज कहा जाता है। इसमें किसी चीज का मदद का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे आप बोल सकते हैं, आप हंसिए, रोइए, देखिए आपको अचानक से आवाज निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोग देखेंगे। अब एक जो हो गया, ये हो गया आपका लिप्स, इसी के बीच में आ जाइए, क्या हो जाएगा? टीथ। और गले में एक आ जाइए, टंग। और हो जाएगा लिप, टीथ, टंग, और एक हो जाएगा अदर बॉडी पार्ट। अदर बॉडी पार्ट, यानी अब दो प्रकार का आवाज निकलेगा। एक आवाज निकलेगा जो डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से निकलेगा, और एक आवाज निकलेगा जो हमारे लिप से, टीथ से, टंग से, या अदर बॉडी पार्ट से निकलता है। यानी दो प्रकार का साउंड निकलेगा। जो साउंड वोकल कॉर्ड से होकर निकलता है इसको हम क्या कहेंगे? वोकल साउंड कहेंगे। कौन सा साउंड कहेंगे बेटा? वोकल साउंड कहेंगे। और जो साउंड हमारे लिप से, टीथ से, टंग से, या अदर बॉडी पार्ट से निकलता है इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। यानी हमारे पास कितने साउंड हो गए? साउंड सिस्टम में दो तरह के साउंड हो गए। एक हो गया वोकल साउंड और एक हो गया हमारा कौन सा साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है। वो क्या काम करता है? 20 साल पहले से हम ये पढ़ते आ रहे हैं और हम यह देख रहे हैं और हमें कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, नहीं करना है। जो 20 साल 25 साल पहले से जो ग्रामर आ रहा है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने लिया ए बी सी डी ई आई ओ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हमने ले लिया इसको। अब जरा ध्यान देखिएगा, बचपन में आपको सिखाया गया होगा कि ए ई आई ओ यू जो होता है, ये होता है बाबू भौवे, और इस भौवे के सामने क्या लगाना है? एन। और जो बच गया कॉन्सोनेंट उसके आगे क्या लगाना है? ए लगाना है। यही पढ़ा है हमने। तो ये कॉन्सेप्ट आज आप भूल जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट में आपको काम नहीं करना है। आज के बाद आपको दुनिया में कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं होगी। आप चुटकी में बनाना सीख जाएंगे और चुटकी में आप ए एन लगाना सीख जाएंगे। आपको जो अल्फाबेट से आज हम सिखाने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। अभी मैंने आपको बताया है साउंड कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन साउंड होता है? एक होता है वोकल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। और वोकल साउंड क्या होता है? जो हमारे वोकल कॉर्ड से निकलता है। तो याद रखिएगा फॉर्मूला, याद रखिएगा, जब आपका वोकल कॉर्ड से साउंड निकले तो उसके पहले चाहे वो वोवेल हो, चाहे कॉन्सोनेंट, चाहे कुछ भी हो, उससे आपको बहुत नहीं है। पहला लेटर देखना है, अगर वो वोकल कॉर्ड से निकल रहा है तो एन लगाना है, और ए के साथ लगाना है। जब कोई वर्ड आपके लिप्स से या आपके टीथ से या आपके टंग से या आपके अदर बॉडी पार्ट से पार्ट से निकलता है तो उसके आगे ए लगाना है। यही कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा ये कॉन्सेप्ट मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं यू से। हमने ले लिया यू, ठीक है। अब यू से हम दो वर्ड लिखते हैं, एक हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी और एक हम लिखते हैं अम्ब्रेला। अब जरा देखिए, तो
कौन सा वोकल साउंड है और कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है, जरा आप बोलिए। अम्ब्रेला, अब अम में अ जब जो पहला अ आ रहा है उसको बोलिए अम्ब्रेला, तो अ जो है देखिए वोकल साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पे अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन देखिए तो यूनिवर्सिटी, बिना होट के मूवमेंट क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी यू बोलने के लिए क्या होता है, आपका लिप काम करता है, यानी याद रखिएगा लिप काम कर रहा है तो यूनिवर्सिटी का क्या लगेगा, ए लगेगा। यानी याद रखिएगा जब आपका वोकल कॉर्ड का आवाज आएगा तो एन लगाना है, और जब आपका कोई भी वर्ड चाहे लिप से हो, टिथ से हो, टंग से हो या अदर बॉडी पार्ट से हो तो ए लगाएंगे। एक और वर्ड लेते हैं, हम लेते हैं एच। एच से हमने बना दिया दो चीज, हमने बनाया आवर और हमने लगाया हॉर्स। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है आर और इसको बोलते हैं हॉर्स। अब जरा ध्यान देखिएगा, आर 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 कहां से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है, यानी किससे निकल रहा है, वोकल कॉर्ड से निकल रहा है, यहां क्या लगेगा, एन लगेगा। और हॉर्स बोल के देखिए तो बिना होट बोलिए हॉर्स, पेट पे देखिए जोर पड़ रहा है हॉर्स हॉर्स हॉर्स, पेट पे जोर पड़ रहा है तो अदर बॉडी पार्ट हो गया, यानी इसमें अदर बॉडी पार्ट अमूव लिप भी आपका हिल रहा है हॉर्स, तो देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, क्लियर है। यानी ध्यान से देखना है कि जब आपका वोकल कॉर्ड होगा तो हमें क्या लगाना है, एन लगाना है, और जब कोई साउंड या तो आपके लिप से या आपके टिथ से या आपके टंग से या अदर बॉडी पार्ट से निकलता है उसके आगे हमें ए लगाना है। ये कॉन्सेप्ट काम करना है और इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगर आप चाहते हैं तो 2 मिनट उतार लीजिए। हो गया, उतार लिए। चलिए तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें और भी आगे बताएंगे, सेमी वॉवेल का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ए और आई का कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बैच ज्वाइन करना होगा, क्योंकि रेगुलर बैच ज्वाइन करेंगे तभी जाके आपको फायदा मिलेगा। ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया था और डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने बताया था कि किस प्रकार से आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चा बहुत रूल याद करता है, रूल याद करके नहीं बना सकता है, अब आप कुछ में भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लगाना है, जैसे यहां देखिए हमने लिख दिया इंक पॉट, अब इंक पॉट के आगे क्या लगेगा, ए या एन, इंक बोलिए क्या लगेगा, इंक पॉट, इंक निकल रहा है क्या लगाएंगे, एन इंक, समझ में आ गया। एलिफेंट का क्या लगाएंगे, एन एलिफेंट लगाएंगे, यानी इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात है क्लास की, तो ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिया था, कॉम्पिटिशन में बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, आर्टिकल डिटेल में करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन करेंगे, नरेशन करेंगे, वॉइस करेंगे, डिग्री कंपैरिजन करेंगे, और भी सारे चैप्टर्स को हम लोग वो करेंगे, साथ ही साथ हम लोग सेट भी बनाए करेंगे, हर टॉपिक से तीन चार चार क्वेश्चन दिया जाएगा और प्रैक्टिस भी होगा हमारा। लेकिन बच्चों को चाहिए कि पहले जितना ज्यादा हो सके गेन करें, तो ग्रामर जितना ज्यादा हो सके वो गेन करें,
और अगेन करने के बाद तब जाकर वह आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं। पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है यहाँ पे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स से समझाया जाएगा और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसका टाइमिंग जो मैंने डिसाइड किया है वो मंडे से 12 से 1 रखा है, 12 से 1 टाइमिंग हमने डिसाइड किया हुआ है, सुबह 8 से 9 नहीं 12 से 1, क्योंकि बच्चों को दिक्कत थी 8 से 9 में, तो 12 से 1 हमने टाइमिंग डिसाइड किया है।